और आप लोग जो कमेंट करते हो ना कि किसको याद करते हो, लड़की कौन है, मतलब कोई साथ नहीं, हर कोई साथ छोड़ दिया। और इतने सारे हेटर्स, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कि खुद के शहर में कॉलेज में इतने सारे हेटर्स। और निशा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और 20 वीडियो डिलीट करने को पड़े बहन के हाथों से। कुछ लोगों को मिट्टी खिलाते पूरे गांव में चर्चा हो गया कि राजू भाई यूट्यूब से पैसे कमाना, किसी का बातें सुनकर मुझे गलत समझ कर छोड़ दिया। आज मैं आप लोगों का मेरे YouTube जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं YouTube पे कैसे आया, और जीरो से लेकर 1K का सफर कैसे तय किया, क्या क्या मुश्किल आए, और ये सफर कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं YouTube पे कैसे आया। तो दोस्तों मेरा YouTube जर्नी स्टार्ट होता है 4 अगस्त के दिन है, मतलब मेरे सामने एक वीडियो आता है कि वीडियो कैसे एडिट करे, और मैं मतलब वॉइस एड ट्राई कर रहा था लेकिन आज से नहीं कर पाया, फिर भी अपलोड कर दिया। और उसके बाद और एक वीडियो बनाया था कि DNF से वीडियो कैसे एडिट करें, और वो वीडियो मतलब किया बताओ अपलोड करके और मतलब खुद ही डिलीट कर दे, क्योंकि यार खुद का आवाज़ खुद का फेस मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और आप लोग जो कमेंट करते ना कि भाई नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, मतलब पुराने दिन का बात सोचकर अगर मैं वहीं रुक जाता तो आज मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। और उसके बाद देखे कि अपने गाँव में भी एक भैया वीडियो बना रहे, और मैं मतलब थोड़ा मोटिवेट हुआ कि अपना गाँव में एक भैया वीडियो बना रहे, मतलब मैं भी ऐसे बनाऊंगा और मुझे भी ये करना चाहिए। और मैं मतलब सितंबर से पूरा कंटिन्यू वीडियो बनाते गए, मतलब मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए नहीं आया था, बस मजे से ही बना रहा था। और मेरे को बाद में पता चला कि हम यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं, मेरे से मैंने एक वीडियो आया था। तो उसके बाद मैं मतलब और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि हम यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं। तो मैं मतलब अपना गाँव से कुछ लोगों को बुलाया था कि चल हम लोग वीडियो बना के हम लोग यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं। तो वो लोग मतलब धीरे धीरे मेरे को मतलब भरोसा करने लगे, और हम लोग मतलब 1 साल तक पूरा कंटिन्यू वीडियो बनाते गए। और मतलब क्या बताओ बिना थंबनेल में 600-700 व्यूज आ जाता था। तो 1 साल के बाद मतलब क्या होगा, मतलब हार के मतलब मेरे को भरोसा करना छोड़ दिया कि हम यूट्यूब से पैसे वैसे नहीं कमा सकते, फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और वो लोग मतलब भरोसा करना छोड़ दिया, और मतलब पूरा अकेले हो गए, और अकेले ही बना रहा था, और आज भी मतलब अकेले ही बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप बात करते हैं कॉलेज की। तो दोस्तों मैं 2023 से ये वाला चैनल स्टार्ट किया, और दोस्तों कॉलेज में जब मैंने पहली बार एक वीडियो बनाया था तो वीडियो मतलब डिलीट करने का पड़ा, क्योंकि थोड़ा ही गलती हो गई थी, लेकिन गाली वगैरह बहुत सुनने को पड़ा। और उसके बाद मैं मतलब डीमोटिवेट हो गया, और कुछ दिनों के लिए मतलब वीडियो बनाना बंद कर दिया था, और मेरे चैनल पर एक वीडियो था कि मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पाऊंगा। सॉरी दोस्तों, आज के बाद मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पाऊंगा। और इतने सारे हेटर्स, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कि खुद के शहर में कॉलेज में इतने सारे हेटर्स, लेकिन कॉलेज में कुछ चाहने वाले भी है। और उसके बाद मैं एक वीडियो बनाया था, तो सबसे पहले वो वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ। सक्सेस कैसे हो पाओ मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे पीछे तो कुछ डुबाने वाले लोग मिल चुके। तो कुछ दिनों के बाद जब मैंने वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन किया, तो वहाँ पे मतलब मेरे गांव का ही लड़का मतलब गंदी भाषा में गाली किया, तो मैं तो वीडियो में नाम नहीं ले सकता, और मेरे को दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो लड़का मतलब मेरे साथ ही वीडियो बनाते और मेरे के मतलब गाली वगैरह दे रहे, तो मतलब मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो मेरे साथ वीडियो बनाता और मेरे के मतलब बहुत ही गाली वगैरह दे रहे और गंदी भाषा में मतलब कमेंट वगैरह कर रहे। और उसके बाद मतलब फिर से वीडियो बनाने स्टार्ट किया, और कॉलेज में एक वीडियो था स्वागतम वेलकम, मेरा कॉलेज के एक लड़की मतलब डांस किया है और मेरा फ्रेंड ही है, तो उस वीडियो मतलब क्या होता 3,90,000 से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, और अभी भी रैंक कर रहे लग रहा है, मतलब 4 लाख तक पहुंच जाएगा। और निशा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और साथ में आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जितना कहो उतना कम है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की वजह से ही मैं आज इसी मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। और दोस्तों क्या ही बताऊं, मेरे चैनल से मतलब एक दो वीडियो नहीं, लगभग 20 वीडियो डिलीट करने को पड़े, और ये सब दुख दर्द तो हर एक कंटेंट क्रिएटर ही समझ पाते कि कितना मेहनत होता है, सोचना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग वगैरह करना पड़ता है, और मतलब अच्छे समय से वीडियो वगैरह बनाने के लिए, और एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन हर चीज मतलब खुद को संभालना पड़ता है। और उसके बाद मेरे चैनल पर जब मोनेटाइजेशन के लिए ऑप्शन आ गया था, तो इतना खुशी मतलब पहली बार मिल रहा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाले, यूट्यूब से हम पैसे कमाएंगे, मतलब इतना खुशी कि मेरे घर पे मतलब बहुत दूर से मतलब गूगल एडसेंस पिन आने वाला है, इतना खुशी मतलब क्या होता है। मैं और मेरा एक दोस्त मतलब पूरा फुल एंजॉय के साथ डांस किया, और बहन के हाथों से कुछ लोगों को मिठाई खिलाते हो, तो इतना खुशी मतलब मैं बोल भी नहीं सकती कि उस दिन मैं कितना खुश हो गया था। और दोस्तों 29 जनवरी मंडे का दिन है, मतलब रहा था 10:22 में मेरा चैनल पर जाके 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो क्रिएटर था वो तो मतलब पहले से कंप्लीट हो चुका था। और 30 तारीख को मैं मतलब मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन अप्लाई किया था, और पहले जो आया था वो तो मतलब हाफ मोनेटाइजेशन, और उसके बाद मतलब 30 तारीख को तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, और आप लोग को बताया था कि मतलब 1 हफ्ते के अंदर गूगल एडसेंस पिन आने वाला है, और अभी तक नहीं मिला, लगभग 8 महीने से मतलब इंतजार कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं मिला नहीं, तो देखते हैं जो भी होता है मतलब अच्छे के लिए होता है, और इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले मतलब
कम से कम $10 होना चाहिए था। और दोस्तों मेरे चैनल पर जब $12 हो गए तो मतलब क्या हुआ, तो पूरे गांव में चर्चा हो गया कि राजू भाई यूट्यूब से पैसे कमाना। मतलब मैं थोड़ा गलती कर दिया था कि किसी को बता देता कि मेरे चैनल पर $12 हो गया था, यही गलती किया। और वो मतलब पूरे गांव में चर्चा होगा कि राजू भाई यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो। और जहाँ भी देता हर के मतलब मेरे से मतलब पूछने लगे क्या राजू भाई यूट्यूब से पैसे कमा रहे, कब आया पैसे और कितने पैसे, मतलब हर के पूछने लगे। और एक तरफ से तो बहुत ही खुशी हो रही है और दूसरी तरफ तो मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है कि इतना दिन से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा गूगल एडसेंस पिन के लिए जो कि आइडेंटिटी वेरीफाई किया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब डीएक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों ये था 8 महीने पहले के बाद जो कि मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल हो चुका था। और दोस्तों फिर से मतलब दूसरे से मुझसे कनेक्ट कर दिया था और फिर से जो कि $10 कम्प्लीट हो चुका है। तो देखते हैं बहुत जल्दी कर देंगे आइडेंटिटी वेरीफाई। और दोस्तों मैं मतलब एक कैटेगरी नहीं बहुत ही कैटेगरी यूज कर चुका और मेरे पास बहुत ही चैनल है और मैं मतलब पहले कॉमेडी वीडियो वगैरह बना करता था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब जितना का उतना कम है। और निशा को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मेरे को जो कि परमिशन देने के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा निशा को भी। और दोस्तों कॉलेज में कुछ ऐसे भी लोग मेरे साथ सिर्फ मतलब के लिए थे, पैसे के लिए थे। और आप लोग जो बोलते ना कि किसके याद करते हो, वो लड़की कौन है, मतलब कोई साथ नहीं, हर कोई साथ छोड़ दिए। तो यही कर सकते, जिसको जो करना होता है वही करेगा और जिसको जो सोचना होता है वही सोचेगा। मेरे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं सिर्फ मतलब के लिए थे और कुछ ऐसे भी लोग हैं सिर्फ पैसे के लिए थे। और मेरे साथ एक ऐसे भी लोग थे, मतलब क्या बताओ, किसी का बातें सुनकर मुझे गलत समझ कर छोड़ दिया। तो क्या ही कर सकते, मैं तो किसी का नाम नहीं ले सकता। तो छोड़ो ये सब बातों पे, ध्यान नहीं देते, फोकस करते अपना काम पे। और कॉलेज में वीडियो वगैरह बनाता था, मतलब जो कुछ प्रोग्राम वगैरह होता था मैं वहाँ पे बनाता था। और हर बार कोई ना कोई बोलते कि ये वीडियो मत बना कर, मत डाला कर, मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि 2-3 दिन से वीडियो बनाया और 2-3 से मतलब एडिट करके अपलोड किया और बाद में वीडियो डिलीट करने के बड़े की अरे हर के मतलब बोलने लगती कि ये वीडियो मत डाला कर, डिलीट कर दे वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और ऐसे करते करते मेरे ख्याल से मतलब 20 वीडियो मतलब परमानेंटली डिलीट करने को पड़े और मतलब जबरदस्त डिलीट करने को पड़े। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि 0 से लेकर 1 के तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना का उतना कम है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और दोस्तों कमेंट में जय श्रीराम लिख देना मेरी जान। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल। देखो हमारे भैया स्टैंड ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम लोगों का वीडियो शूट कर रहे होने वाला है। कैमरामैन कैमरा ऑन करो। हो गया हो गया। तो दोस्तों अभी तो देख ही सकते हो वीडियो शूट का और थोड़ा ही बाकी है, तो चलो जल्दी से आप लोगों को दिखा देते हैं मेरे टेंशन के बारे में लेकर। तो कैमरामैन थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, बहन के हाथ नहीं यार क्या करूँ, कैमरा ऑन रहो, ठीक है कैमरा ऑन रखो। हाँ फिर से हाँ फिर से ऑन करो। बहन के हाथों से मतलब कुछ लोगों का मिठाई खिलाया और अपने इतने खुशी पहली बार मतलब किया ही बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। अगस्त का दिन है, गुरुवार का, मतलब मैं ट्राई कर रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आया था कि